दिस इज डॉक्टर कृष्ण, आई एम कंसल्टेंटी हेड एंड एक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली, आई एम को कन्वेनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आई एम ऑथर टू 55 मेडिकल बुक। आज हम पॉल्यूशन के पार्ट टू ऑफ द वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे कि एक तो पॉल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट्स और कौन कौन लोग हैं जो पॉल्यूशन से ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। अब एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि दिल्ली में या दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों ज़्यादा है। तो ये एक बहुत कॉमन रीज़न है जो कि हमें एज अ दिल्ली में जो लोग रहते हैं, डेलाइट्स जो हैं, वो डिस्कस उसको कंसर्ट ही नहीं करते कि यहाँ के लोगों में या यहाँ जो रहने लगता है उसमें एक पॉल्यूशन जनरेटिंग मेंटेलिटी आ जाती है। तो वो ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। अब कैसे, मैं इसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी बताऊँगा। 13-14 साल पहले मैं आई वॉज इन फर्स्ट ईयर MBBS, मैं एक शॉप पे गया और वहां मैंने पेन एक लिया। पेन लेने में मैंने पेन लिया, फिर कुछ टाइम बाद उसका मैंने रिफिल लिया। तो मैंने रिफिल के लिए बोला उनसे, तो वो पेन वाले, वो जो शॉप वाले थे, उन्होंने बोले कि 5 रुपए की पेन आती है, 3 रुपए का रिफिल, आप 2 रुपए बचाने के लिए रिफिल क्यों ले रहे हो। तो और मैं क्या था, मैं उस समय नीट UG प्री मेडिकल के बच्चों को पढ़ाता था, सो इकोलॉजी इन्वायरमेंट मेरा एक बहुत कॉमन टॉपिक था। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी में आ जाता है, इंटरनलाइज हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ, हमारी मेंटेलिटी यही थी कि लेस कम से कम वेस्ट जनरेट हो, वेस्ट जनरेशन लेसर हो। सो मैंने बोला कि जितना वेस्ट जनरेट होगा एक रिफिल की वजह से बार बार हम रिप्लेस कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा है पेन रिप्लेस करने से होता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में उसका असर तो आएगा। सो तो मतलब ये मैंने चीज नॉट ओनली विद हिम, दिल्ली में जो लोग रहते हैं या किसी भी मेट्रो सिटीज में रहते हैं, ये मेंटेलिटी होती है जो कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पॉल्यूशन और वेस्ट जनरेशन को लेकर। तो ये चीज है, क्योंकि आप इंसिनरेशन के बाद भी देखोगे, जब इसको जला दिया जाता है तो भी रिफिल बहुत कम वॉल्यूम वेस्ट ऑक्यूपाई करता है कम, और ये पेन बहुत ज्यादा करता है कंपेयर टू, अगर दोनों में कंपेयर करोगे तो। ये चीज है, तो मेंटेलिटी का कहीं ना कहीं रोल है। अब हम बात करते हैं कि किस पे ज्यादा असर होता है। तो कोई भी बच्चे जिनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है लगभग 10 साल से, छोटे बच्चे, और ओल्डर पेशेंट जैसे कि 60 साल से ऊपर वाले, जिनको कोई बीमारियां है स्पेशली जैसे अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, कोई भी बीमारी है, तो पॉल्यूशन से वो एग्रेवेट हो जाता है। इसके साथ साथ एडल्ट पेशेंट जो है, जिनको कोई कैंसर की थेरेपी चल रही है, शुगर की बहुत बीमारी है, डीरेंज शुगर है, तो इन सब लोगों में पोल्यूशन का ज़्यादा असर होता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि इन सब लोगों में पोल्यूशन का ज़्यादा असर हो सकता है, इनको सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, जो लोग एयर पोल्यूशन में, जैसे स्पेशली बाइक राइडर्स, आजकल रैपिडो बाइक्स चल रही है, रैपिडो टैक्सी चल रही है, बाइक टैक्सी, उसमें अगर आप बिना मास्क लगाए लंबे टाइम तक, स्पेशली जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स कंप्रोमाइज है, जैसे कि नोएडा वाला जगह है, लक्ष्मी नगर और ये वाला एरिया, आनंद विहार वाला एरिया, जहां आनंद विहार में AQI 900-1000 के आसपास चल रहा है, नोएडा में 700-600 चल रहा है, सो वो एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड है। वहां पे आप रहते हो स्पेशली रोड्स पे, काफ़ी देर बिना मास्क एक्सपोज रहते हो और रेड लाइट्स ज़्यादा होते ही हैं इधर दिल्ली NCR में, सो आपका ज़्यादा असर आने का चांसेस है। इवन आप हेल्दी पॉपुलेशन हो, लेकिन आपकी आँखों में इरीटेशन, जलन वगैरह, चेहरे में जलन वगैरह रह सकता है, और भी नाक में इरीटेशन रहेगा, और भी वो आगे चल के और भी कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में हो सकता है। तो अब हेल्थ इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन केवल एक अंग को इफेक्ट करता है, तो पोल्यूशन हर अंग को इफेक्ट करता है। आंखों की बात करेंगे तो आंखों में इरिटेशन रहेगा, स्किन में डर्मेटाइटिस हो सकता है, ये हमारे नाकों में एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक फेरिंजाइटिस, और सांस के रास्ते में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पोल्यूशन का क्रोनिक एक्सपोजर हुआ तो उससे आपको कार्डियक समस्या भी हो सकता है, ब्लड पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, कार्डियक समस्या हो सकता है लॉन्ग टाइम तक पोल्यूशन के एक्सपोजर से, ये भी देखा गया स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सब कॉमन इसके इफेक्ट्स हैं। तो अब इससे कैसे बचना है, क्या किया जा सकता है बचने के लिए, उसके लिए हम पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।